नमस्कार, स्वागत है आपका केवीपी भारत में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नगरीय निकाय चुनाव का महासंग्राम जारी है और इसी बीच द्वितीय चरण का घमासान शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज द्वितीय चरण का नगरीय निकाय चुनाव सुबह 7 बजे से चालू हो चुका है, जिसमें मतदाताओं की सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई है। बता दें, भिंड नगर पालिका के 39 वार्डों का मतदान चल रहा है, जिसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस बल मतदान केंद्र पर तैनात है। वहीं पुलिस अधीक्षक एवं भिंड कलेक्टर लगातार मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि खुलकर मतदान करें। आपको बता दें, द्वितीय चरण का नगरीय निकाय चुनाव का चुनाव शुरू हो चुका है, जिसमें भिंड की हम बात करें अगर भिंड की, तो भिंड में 39 वार्डों में मतदान शुरू हो चुका है, जिसमें मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। और इसी चर्चा पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिंड से ब्यूरो चीफ सुनील जी। सुनील, क्या कुछ स्थिति अभी देखने को मिल रही है भिंड में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में? अभी सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी थी जी, मौसम ने अपना मिजाज बदला, गर्मी बढ़ी है। जैसे ही अभी जो मतदाता है वो आना थोड़ा कम हो गए, लाइन अभी भी लगी हुई है अंदर ही छाया में जी। जी सुनील, तो मतदान जैसे कि शुरू हो चुका है, इसमें सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि बीते चुनावों में हमने देखा है काफी हद तक लड़ाई झगड़े और विवाद सामने आए हैं, तो इसको देखते हुए भिंड में क्या कुछ सुरक्षा की दृष्टि से वहां पे तैनात किए गए हैं क्या पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया हुआ है, और एसपी और एसडीओपी कलेक्टर साहब सभी घूम रहे हैं जी। अभी तक यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़े की नहीं आया खबर। जी सुनील जी, तो किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है मतदान केंद्रों पर? क्योंकि कहा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात कर ले, तो लगातार उनके द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा था, वोटों की अपील की जा रही थी, तो इस ओर मतदाताओं का क्या कुछ रुख है? मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से बड़े बड़े नेता है, उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की है और वोटों को रिझाने के लिए अपनी तरफ से संपूर्ण कोशिश की है, लेकिन मतदाता यहाँ पर नगर पालिका का जो है रोड है वो पहली बार इसमें ही जलमग्न हो गई है, और बिजली की खस्ता अलग है, तो वोटर यहाँ ये विकास का मुद्दा मेन मान के चल रही है। जी सुनील, तो देखा जाए अगर विकास की अपन बात कर लेते हैं, जिस तरह से मतदान से पहले प्रत्याशियों का जो कहना होता है, विकास के लिए जो प्रत्याशियों का कहना होता है, वोट की अपील करते हैं विकास के बदले वो, तो जिस तरह से अगर बात कर लें कल की ही, तो कल जबलपुर से एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर हाल ही में बनाया हुआ पुल मात्र एक गाड़ी के चढ़ने से टूट गया था, तो इन सब खबरों से क्या कुछ मतदाताओं की सोच पर असर पड़ेगा? क्योंकि बात की जाए विकास की, तो अगर इस तरह के विकास की बात की जाए, तो मतदाताओं का क्या रुख आखिरी वक्त पर भी बदल सकता है? यहाँ मतदाताओं को विकास का जो मुद्दा है उस पर रुख बदल भी सकता है जी। मतदाताओं पे किसी भी अगर वो प्रत्याशी आते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई हमारा विकास का मुद्दा है, अभी तक जो भी पार्षद बनाए किसी ने विकास का कोई काम ही नहीं किया है जी। जी बिल्कुल, तो सुनील जिस तरह से बात की जाए, अगर पूर्व पार्षदों की बात की जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं अहम बात पूर्व पार्षदों की भी रहेगी, चाहे कोई सा भी वार्ड हो, अगर पूर्व में वहां पर विकास नहीं हुआ होगा तो जरूर है ये कहा जा सकता है कि वार्ड इस बार नया चेहरा सामने ला सकता है। अगर पूर्व पार्षद कांग्रेस है और अगर वहां पर विकास नहीं हुआ है, तो क्या बीजेपी का नया चेहरा सामने आएगा? अगर बीजेपी ने विकास नहीं किया है तो कांग्रेस का सामने आएगा? या फिर निर्दलीय की बात कर ले, तो यहाँ पर उनकी भी कहीं ना कहीं अहम कड़ी हो सकती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? पिछली बार यहाँ जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे
जी बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें के अगली बार जो रुझान मिल रहा है जी कांग्रेस को बड़ा दिखती दिख रही है। जी जी सुनील, तो अब बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं अहम कड़ी बना हुआ होगा। जिस तरह से मौसम काफी दिनों से बिगड़ रहा था, तो आज क्या कुछ रुख है मौसम का भी मतदान केंद्रों पर, क्योंकि मौसम भी कहीं ना कहीं मतदाताओं के लिए काफी अहम रहेगा। तो अभी हाल ही में मौसम का क्या कुछ मिजाज है वहां पर? मौसम का ये है कि अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी धूप खिली थी, तो मतदाता पोलिंग पर कम आ रहे थे। अभी फिर एकदम सूर्य भगवान चले गए हैं, तो थोड़ा ठंडक ताई आई है, तो फिर जो मतदाता फिर यहाँ आना स्टार्ट हो गए हैं। जी सुनील, तो अब मतदाताओं की अगर बात करें, सुबह से ही कहा जा रहा है कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था, तो इसमें मतदाताओं का क्या कुछ रहा था, कितनी बजे से मतदान करना उन्होंने शुरू कर दिया था, और अभी क्या कुछ रुख है मतदाताओं का, कितनी भीड़ वहां पे मौजूद है, या फिर अब मतदाताओं का आना थोड़ा कम हो गया है, इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। मतदाता सुबह 7 बजे या 6:30 बजे से ही मतदाताओं की लाइन लंबी लाइन कतारें लगी थी जी। अभी जैसे ही धूप खिली है तो मतदाता कुछ कम हुए हैं, फिर भी समथिंग 100-150 मतदाता है जिसको पोलिंग बूथ पर खड़े 100-150 मतदाता भी है यहाँ पे। जी सुनील, तो बात पूरे भिंड की जाए तो 39 वार्डों में ये चुनाव है, तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा चुनाव है भिंड के लिए, जिसमें मतदाता भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, और इसी तरह देखा जाए तो प्रत्याशियों की भी काफी कड़ी मेहनत इसमें जुड़ी हुई है। काफी दिनों से उनका जनसंपर्क लगातार जारी था, और अब आखिर में मतदान शुरू हुआ है, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है बीजेपी कांग्रेस या निर्दलीय की तरफ से, किस तरफ जनता का ज्यादा झुकाव हो सकता है, किसको अभी तक कहा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि जनता से अगर आपकी बातचीत हुई है तो किस तरह जनता का ज्यादा झुकाव है? जनता का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से मोह भंग होता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस की ओर जुड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए सुनील। आपको बता दें भिंड में जिस तरह से चुनाव चल रहा है, सुबह 7 बजे से चुनाव शुरू हो चुका है, और 39 वार्डों में यहाँ चुनाव होने वाला है। इसी पर हमारे सहयोगी ने हमें जानकारी दी है, सुनील जी ने, उन्होंने बताया है कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, और 6:30 बजे से ही जनता की लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर लग गई है। मौसम की बात करें तो मौसम खासा अच्छा अभी दिख रहा है, जिस तरह से 3-4 दिनों से लगातार बारिश जारी थी, जिसमें आज बारिश ने भी कहीं ना कहीं मतदाताओं का प्रत्याशियों का साथ दिया है, और आज बारिश कहीं ना कहीं थमी है, जिसे देखकर लग रहा है कि मतदाताओं की काफी भीड़ अभी मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेगी, और कहीं ना कहीं हद से ज्यादा प्रतिशत वोट की उम्मीदें जताई जा रही है। और इसमें अगर बात कर ले प्रत्याशियों की या पार्टियों की, तो अभी देखा जा रहा है बीजेपी के जो पूर्व पार्षद थे उनकी इस बार कहा जा रहा है, अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार कांग्रेस पछाड़ सकती है। वैसे अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन जब तक नतीजे नहीं आते तब तक कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है।